शिवराज सिंह चौहान चुनावी सभा लेने शिवपुरी के ककेरा विधानसभा के दिनारा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि यह चुनाव जसवंत जाटों का नहीं है, यह चुनाव शिवराज सिंह चौहान का है। यह चुनाव बताएगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। कमलनाथ पर निशाना साधते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले 1.5 साल से कांग्रेस के कमलनाथ मध्य प्रदेश को बर्बाद कर रहे थे। इन 1.5 सालों में कमलनाथ ने एक भी विकास का कार्य नहीं करवाया और रोते ही रहते थे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब सरकार हमारी है और सरकार आते ही देख लेना, अभी विकास कार्यों का ये ट्रेलर है और पिक्चर अभी आने वाले 3 साल में बाकी है। वहीं दिनारा की जनता को सौगात देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार बनते ही दिनारा को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाएगा व साथ ही दिनारा में छात्रों के अगले सत्र से डिग्री कॉलेज खोल दिया जाएगा। हेलीकॉप्टर से लेकर वहां से लेकर जहां तक दिनारी दिनारा जैसे दिनारा ना और टीटी नगर हो गया और भोपाल आ गया। अच्छा मैंने पूछा इतने ये सड़क पर बने भीतर हो रहे 2 किलोमीटर दिनारा वालों, अब तक बहुत दिनारा की अपेक्षा हो गई। ये सरकार बनते ही, ये चुनाव जीतते ही दिनारा को नगर पंचायत बनने की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। अभी बच्चे कहां पढ़ने जाते हैं कॉलेज में? करेरा करेरा कितनी दूर है? अरे यहां पढ़ना चाहिए कि नहीं बच्चों? अरे यहां पढ़ना चाहिए कि नहीं? तो बोलो भैया पढ़ना चाहिए। तो अगले सत्र से दिनारा में डिग्री कॉलेज खोल दिया जाएगा। इस तरह की बात कर, और इसलिए 1.5 साल में कमलनाथ ने बर्बाद कर दिया मध्य प्रदेश को, कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया मध्य प्रदेश को। आप बताओ दिनारा हो चाहे करेरा हो चाहे नरमर हो, एक ईंट विकास की कहीं लगी 1.5 साल में बता दो? ढेला नहीं दिया, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, रोज ही रहते। अब आप क्या बताओ होते मुख्यमंत्री जी, ये पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। मैं कह रहा हूं शिवराज सिंह का मेरे पास कमी नहीं। अरे मुख्यमंत्री वो है जो विपरीत परिस्थितियों में रास्ता निकाल के जनता को संकट के पार उतार दे। वो काय का मुख्यमंत्री के खुद ही बैठे पैसे ही नहीं है तो वे काय का मुख्यमंत्री बने? छोड़ो छाड़ो पढ़ो, अब बताओ मेरे को धंधु करना कोई भी बैठ जाएगा? मैं क्या करूँ, मेरे मुख्यमंत्री को पैसे ही नहीं है तो मुख्यमंत्री कोई मजबूर होना चाहिए क्या बड़ा? अरे बोलो भैया मजबूर होना चाहिए। अरे नेता को रास्ता निकालना चाहिए। मां मां कहता कहीं से भी जाऊंगा, आज संकट में उधार दूंगा, लेकिन किसान को भी दूंगा, गरीब को भी दूंगा, बच्चों को लैपटॉप बांट दिए किस्ती भर पाऊंगा, बेटी की शादी भी करवाऊंगा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करो ना खत्म हो दो फिर से भाले भी खुले में नहर भी बनेगी। सब हो मेरे मेहमान भाई, जसवंत जाटव ने सिंधिया जी ने इसलिए छोड़ी कांग्रेस, इन्हें सोचा कि कुछ करवाई नहीं पा रहे तो कौन गाली खाएगा, टाइम बर्बाद हो। कैनन न्यूज के लिए शिवपुरी से मणिकांत शर्मा की रिपोर्ट।